हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीना नीटिंग। आज देखिए हम ये कटाव वाली बॉर्डर बुनाई सीखेंगे। देखिए इसमें इस तरीक़े से ये कटाव बनकर आते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसे आप किसी भी लेडीज़ कार्डिगन में या बच्चों के स्वेटर में बना सकते हैं, या स्टॉल और शॉल में भी बना सकते हैं, या फिर बच्चों के स्लैक्स में या कैप में आप इसको बॉर्डर को बनाइए। बहुत ही प्यारा बनकर आएगा। और देखिए ये इसका राइट साइड है और ये देखिए इसका रॉन्ग साइड है इस तरीक़े से। तो ये देखिए, और ये हमारा रॉन्ग साइड से शुरू होगा ये बॉर्डर। तो हम जो इसमें फंदे तो सीधी तरफ से डालेंगे, लेकिन ये कटाव हमारे इस तरीके से उभर कर आते हैं जब हम इसे फंदे सीधी तरफ से डाल के रॉन्ग साइड से शुरू करते हैं। तो और ये दो कलर में बनता है। तो चलिए इस बॉर्डर की बुनाई को सीखते हैं और उसके फंदों का हिसाब लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें 8 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं और 6 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस बॉर्डर को बनाएंगे तो 8 के मल्टीपल से फंदे लें और 6 फंदे इसमें एक्स्ट्रा रखें। और बॉर्डर की जो रो है, देखिए मैं आपको गिनकर बता देती हूँ। ये देखिए एक सिलाई हमने सिंपल बुनी है उल्टी तरफ से, और दो ये देखिए 4 सिलाई हमारी ये ग्रीन कलर से बनेंगी। तो हमारी टोटल हो गई 5 सिलाई, और उसके बाद 2 सिलाई हमने यहाँ पर बनाई है, तो 7, यानी कि 7 सिलाई में बॉर्डर इतना बनेगा। उसके बाद जितना भी आपको ऊपर से इसकी बॉर्डर की लेंथ रखनी है रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से हमारा बॉर्डर ये सिंपल बनेगा। सिर्फ ये जो हमारी ये रोज़ हैं, ये 7 रोज़ आएंगी यहाँ पर। तो चलिए इस बॉर्डर को बनाना सीखते हैं। इस बॉर्डर को बनाने के लिए देखने ये मैंने यहाँ पर 8 के मल्टीपल से फंदे लिए और इसमें 6 फंदे एक्स्ट्रा रखे, तो टोटल ये हमारे 22 फंदे हैं, 22। और ये देखिए फंदे मैंने राइट साइड से डाले हैं, लेकिन ये रॉन्ग साइड के हमारी सिलाई है। यहाँ से हम रॉन्ग साइड से अपना बॉर्डर शुरू करेंगे। तो पहली सिलाई ये रॉन्ग साइड से हम पूरी उल्टी बुनेंगे, यानी कि पर्लवाइज। तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये बॉर्डर हमारा, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा ये बॉर्डर जो है वो उल्टी साइड से शुरू होगा। तो इस सिलाई को हम पूरा उल्टा बुनेंगे। ये उल्टी साइड है, पहली रो है। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर इसमें एक कलर ऐड कर देंगे सेकंड कलर से, क्योंकि हम कटाव बनाएंगे तो सेकंड कलर इसमें हम अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए पूरी सिलाई हम सिंपल सीधी बुनेंगे सेकंड कलर से। पूरी सिलाई को हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। धागे को हम ऐसे कैरी ज़रूर करते हैं ताकि हमारा जो धागा होता है पीछे से आराम से सेट हो जाता है। तो धागे को इस तरीके से ज़रूर किया करें। मैं आपको हर वीडियो में बात बताती हूँ कि जब भी हम 2 कलर यूज़ करते हैं तो धागे को ऐसे ही कैरी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी सिलाई हम सीधी सिंपल बुन लेंगे सेकेंड कलर से। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। देखिए आप देखिए 6 फंदे हम यहाँ पर सीधे बुनेंगे। देखिए धागा अपने साइड करेंगे और 2 फंदों को बगैर बुना उतार देंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागा अपने साइड करेंगे और 2 फंदों को बगैर बुना उतार देंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से 6 फंदे हम लास्ट के सीधे बुन लेंगे। ये देखिए, अब फिर से हम देखिए इसी कलर से बुनेंगे। धागे को ट्विस्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए फिर से हम यहाँ पर 6 फंदे सीधे बुनेंगे। सीधी सिलाई है, सीधे ही बुनेंगे फंदे। और ये 2 फंदे जो हमने बगैर बुने उतारे थे, इन्हें ऐसे ही उतार देंगे। फिर से 6 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए इस तरीके से। अब फिर से 2 फंदे हम ये बगैर बुने उतारेंगे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे।
ये देखिए ऐसे उल्टी सिलाई, फिर से 6 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा आपने साइड करेंगे और इन 2 फंदों को देखिए ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। फिर से धागा पीछे करके 6 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा आपने साइड करेंगे और ये 2 फंदों को स्लिप कर लेंगे। धागा पीछे करके फिर से 6 फंदे सीधे बुनेंगे। तो देखिए सिलाई भी कंप्लीट हो गई इस तरीके से। अब देखिए कलर चेंज कर देंगे और फिर से 6 फंदे सीधे बुनेंगे। और ये 2 फंदे फिर से स्लिप कर लेंगे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे। और ये 2 फंदे स्लिप कर देंगे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर फिर से वही 6 फंदे सीधे बुनेंगे। और ये 2 फंदे हम यहाँ पर ये स्लिप कर देंगे धागा आगे लाकर, फिर से धागा पीछे करके 6 फंदे सीधे बुनेंगे। आप धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे स्लिप कर देंगे, धागा पीछे करके फिर से 6 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए बस ये कलर हमारा यहीं ऑफ हो जाएगा। अब हम यहाँ से सिंपल इसी कलर से पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। देखिए पूरी सिलाई सीधी बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर हम सिंपल बॉर्डर बुनेंगे। कोई भी बॉर्डर की आप बुनाई बुन सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो बुनाई बुनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा। तो पूरी सिलाई हम ऐसे ही बॉर्डर की बुनेंगे। आप चाहें तो कोई और बॉर्डर जो भी आप बुनना चाहें वो इसमें बुन सकते हैं। ऊपर से हमें कोई डिज़ाइन में इसमें कोई मसला नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगता है बॉर्डर का डिज़ाइन आप ऊपर वो डाल सकते हैं। सिर्फ नीचे के कटाव आपको ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं, इसी तरीके से बनाइएगा। बाकी ऊपर कैसा भी बॉर्डर आप बना लीजिए, अच्छा लगेगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इस तरीके से देखिए कटाव वाला ऐसे बॉर्डर तैयार हो गया। देखिए कितना प्यारा बनकर आता है। और ये देखिए इसी तरीके से हम इसमें 2 कलर में कैसे भी बॉर्डर बना सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर मेरे डिज़ाइन आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कोई भी नई वीडियो आप मेरी मिस नहीं कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।